तो हेलो दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि LF398IC आपका किस प्रकार से वर्क होता है और उसका सर्किट डायग्राम और उसके पिन डायग्राम हम डिस्कस करेंगे। तो हम पहले आईसी मतलब LF, उसका नाम है LF398। ये उस आईसी का नाम है जो अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो वो आईसी कैसा होता है, तो देखिए वो आईसी में टोटल 8 टर्मिनल होते हैं। ये आपका आईसी, यहाँ पर 4 टर्मिनल होते हैं, 1, 2, 3, 4, यहाँ पर 4। ये आपका पहला टर्मिनल, ये आपका दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवेंथ और ये एट्थ। तो इसमें आप देखिए, आपका पहला टर्मिनल ये है, तो ये आपका पहला टर्मिनल हो गया प्लस VCC। और आपका दूसरा टर्मिनल, उसका दूसरा टर्मिनल का नाम है ऑफसेट, और आपका थर्ड टर्मिनल का नाम है प्लस वी इनपुट, मतलब आप यहां से वोल्टेज इनपुट देंगे। हाँ, और आपका फोर्थ टर्मिनल है माइनस VEE, और आप यहाँ पर देखिए फिफ्थ का है, आपका यहाँ से आप आउटपुट लेंगे, यहाँ से आपने आउटपुट लिया। और सिक्स टर्मिनल हो गया आपका होल्ड कैपेसिटर, ये सिक्स टर्मिनल है आपका होल्ड कैपेसिटर। और सेवन टर्मिनल है GND, GND मतलब आपका ग्राउंड हो गया। और एट टर्मिनल है, इससे यहाँ पर होल्ड कैपेसिटर है, यहाँ पर होल्ड आपका सिग्नल, होल्ड सिग्नल मतलब यहाँ पर लॉजिक इनपुट देंगे, मतलब लॉजिक सिग्नल देंगे, होल्ड सिग्नल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप टर्मिनल, तो पहला प्लस VCC और फोर्थ माइनस VEE, जब आप इसको देंगे तभी आपका आईसी ऑपरेट होगा। तो उससे क्या होगा कि आपका आईसी काम करना, मतलब आपका अंदर का पूरा डिवाइस ऑपरेट होगा। फिर जैसे आपका डिवाइस ऑपरेट होगा तो आप उसको इनपुट देंगे प्लस V इनपुट, हाँ, और आप आउटपुट कहाँ से लेंगे, फिफ्थ टर्मिनल से। और आप यहाँ पर कैपेसिटर, ये यहाँ पर कैपेसिटर होल्ड किया जाता है सिक्स टर्मिनल पे, और ए टर्मिनल पे आप इनपुट सिग्नल, इनपुट लॉजिक दे सकते हैं, मतलब कुछ भी, 0110 ऐसे लॉजिक आप दे सकते हो। तो उसका आप मतलब ए टर्मिनल आप ऐसा इनपुट देंगे, ऐसा आपका इनपुट 0.5 वोल्ट और ये 0 वोल्ट। और उसके बाद वी इनपुट क्या देंगे आप एसी सिग्नल देंगे, हाँ। और उसके बाद सिक्स, आपका सिक्स टर्मिनल है ना, वो आपका कैपेसिटर होगा और वो कनेक्ट होगा आउटपुट आउटपुट के इधर, और आप यहाँ से आउटपुट लेंगे, ये आपका आउटपुट यहाँ से होगा, और 1 और 4 आपका ऑपरेट करने के लिए यह होगा, ये होगा आपका LF398। तो अभी मैं इसका सिंबल बताता हूँ कैसा है। यहाँ पर देखिएगा, ये आपका IC LF398, LF लिख देता हूँ यहाँ।
अब हमेशा यहाँ से आउटपुट लेंगे, ये आपका आउटपुट। हाँ, और उसके बाद आप इनपुट कहाँ देंगे, यहाँ पर, ये आपका इनपुट, ये आपका वी इनपुट, ये आपका थर्ड टर्मिनल हो गया और आपका ये फिफ्थ टर्मिनल हो गया, और आपका यहाँ पर सिक्स टर्मिनल होगा। सिक्स टर्मिनल क्या हो, कैपेसिटर को होल्ड करते हैं यहाँ पर होल्ड, और वो कनेक्ट है सेवन को, यहाँ से उसको ग्राउंड किया जाता है। मैंने यहाँ पर बोला था कि आपका सेवन टर्मिनल ग्राउंड होता है, तो यहाँ पर सेवन ग्राउंड किया, तो यहाँ पर आपका यहाँ से सेवन टर्मिनल है, यहाँ पर देखिए आपका सेवन टर्मिनल आपका ग्राउंड होगा, तो ये आपका सेवन तो टर्मिनल ये आप ग्राउंड किया, और सिक्स टर्मिनल आपका क्या होता है, होल्ड कैपेसिटर, ये आपका सिक्स टर्मिनल होल्ड कैपेसिटर बोल के। तो आप इसको इनपुट कहाँ देंगे, तो यहाँ पर देखिए आप प्लस वीसीसी और फोर, वन और फोर आपके इनपुट, मतलब प्लस वीसीसी इनपुट और माइनस वी दोनों आपका मतलब इनपुट दे रहे हैं, तो वन और फोर आप यहाँ पर देंगे, ये आपका वन और ये आपका फोर, ये आपका प्लस वीसीसी, ये आपका माइनस वीईई। इस प्रकार से आपका आईसी ये होगा, और आपने जब इस प्रकार से इनपुट दिया आपने, हाँ, जब आप इस प्रकार से आप इनपुट देंगे तब आपका आउटपुट कैसा आएगा, तो देखिए ये आपका आउटपुट होगा, तो आपका आउटपुट ऐसा आएगा, ये आपका आउटपुट ऐसा होगा वी आउटपुट। तो इस प्रकार से LF398 ये वर्क होता है, और इसको होल्ड सर्किट भी बोलते हैं। हाँ, इसमें इतना ही है कि इसका वेवफॉर्म इस प्रकार से कन्वर्ट होता है इसमें, जब आप यहाँ से इनपुट देंगे, तो इनपुट यहाँ और इसके बीच से आपको देना रहता है, मतलब इनपुट यहाँ, मतलब आपने देते तभी यहाँ पर, और ये आपका ग्राउंड होगा, यहाँ पर इनपुट वी इनपुट दिया, और आप ऑपरेट यहाँ से करेंगे इन दोनों के टर्मिनल, आपने यहाँ पर ये जोड़ दिए बैटरी वगैरह, आप यहां पर इनपुट सप्लाई दे सकते हो। तो इस प्रकार से आप आईसी 398 बोल ELF 398 आपका वर्क होगा। तो इसमें इतना ही था, आपको वीडियो पसंद आया तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा।